हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजन खन्ना, और आज हम आ चुके हैं एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पे वर्चुअली। तो फ्रेंड्स, एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क के लिए हम लेने वाले हैं टॉय ट्रेन, और टॉय ट्रेन हमारी बिल्कुल सामने खड़ी है। अब मैं करने वाला हूँ उसको बोर्ड। और ये हैं हमारे लोकोमोटिव ड्राइवर, और मैं बोर्ड कर रहा हूँ ये प्यारी सी ट्रेन। और फ्रेंड्स, ये है बर्ड पार्क का मैप। तो एंट्रेंस पे आप ये गाइड मैप ले सकते हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी बर्ड पार्क की। पार्क के अंदर आके सिर्फ बर्ड्स की आवाज है, शोर शराबे से दूर। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं लाड़कू, जो आज मेरे को हेल्प करने वाली हैं, समझाने वाली हैं कि क्या क्या बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये क्या बता रहे थे आप, क्या है ये? इधर ये ज़ेब्रा डव है। हाँ। और ये चाइना से है। अच्छा। जो उनके जो फेदर्स पे जो मार्किंग होता है ना, ज़ेब्रा मार्किंग। हाँ हाँ। उसकी वजह से उनको ज़ेब्रा डव बोलते हैं। और अगर उनको आप नजदीक से देखोगे ना, तो और ब्यूटीफुल दिखते हैं। अच्छा। अच्छा। उससे उनका कलर थोड़ा डल है, लेकिन ओके, सामने से बहुत सुंदर लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो वो जो पानी में है, वो मोस्कोवी डक से, और वो फीमेल है, वो उधर है, वो जो मेल है उसके आगे। ओके। हाँ, और मेल और फीमेल में हमेशा फीमेल है वो छोटी दिखती है, और अच्छा, मेल थोड़ी बड़ी दिखती है। और मेल फीमेल के मेल के चेहरे पे जो उसका मार्किंग होता है ना, वो एकदम डार्क होता है। ओके। और कलरफुल होता है, इसके लिए बहुत प्यारा। मेल फीमेल से ज्यादा कलरफुल रहता है। थैंक यू। वो जो ग्रे कलर के है ना, वो गूज है, और वो सेमी एक्वेटिक बर्ड्स है। ज्यादातर मतलब ज्यादा पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। और जो इधर ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, वो मैंडरिन डक है। अच्छा। और उसके साइड में वुड डक है, अमेरिकन वुड डक। है वुडपेकर स्टेडियम, जो 4 बजे खुलता है और यहाँ पर एक शो होता है। तो श्योरली हम 4 बजे आएंगे ये शो देखने। तो ये है केप बैरन, ऑस्ट्रेलिया के गूस। वाओ, व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस, कितने पास हूँ मैं इनके। इतना क्लोज इनकाउंटर मैंने कभी नहीं देखा, सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। चलिए और अंदर चलते हैं इस बर्ड पार्क के। वाओ, ये क्या है मेरे सामने? और ये हैं ऑस्ट्रिच,
थोड़ा नाराज है शायद हमसे, काफी दूर खड़े हैं। तो फ्रेंड्स मुझे अभी अभी ये पता चला है कि ऑस्ट्रिच के 3 स्टमक होते हैं, वाओ। और इन ऑस्ट्रिच का नाम है पर्ल और ये सिर्फ 3 साल की हैं। और ये है वाइट कॉकटू, और ये है डक, और ये है जिनिया फॉल, और ये है गोल्डन फेसेंट। प्यारा लग रहा है। और ये मेरी लेस खोली जा रही है, वाह। और ये है एक्लेक्टस पैरेट, और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल अमेज़न का पैरेट। और ये है टोरैको, और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो एंड रेड कलर्ड लॉरिकी। है सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू, और इनको प्यार से बोला जाता है परी। और ये है ग्रीन विंट मकाओ, और ये है ब्लू और येलो मकाओ। और ये आ गए अब सन कॉर्नियल पैरेट, और ये है रेड फैन पैरेट। अब है बर्ड फीडिंग का टाइम। ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज रोशन एंड वेलकम यू टू बर्ड फीडिंग एक्टिविटी ओवर हियर। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड सन कॉर्नियल, दे आर फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका। अब ये एक्टिविटी 100 रुपीस पर पर्सन। इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सारे बर्ड्स मेरे साथ में हैं, वाओ। आई थिंक आई एम द लकी वन। They are sitting on my shoulder. Okay sir. Thank you. तो बर्ड्स के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, यहाँ जरूर आएं एक बार, बहुत ही मजा आने वाला है। Really friends, ये SL Bird Park सही में इंटरेक्टिव पार्क है। आपके आसपास सब बर्ड्स घूमते रहते हैं और ये सारे बर्ड्स ओपन में हैं। एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस आपको देखने को यहाँ मिलेगा।
तो ये हो रही है इनकी पार्टी, सारे बर्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। बेस्ट थिंग है कि अगर आपने यहाँ की टिकट ली है, आप बाहर जाके रिफ़्रेश हो सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट खा सकते हैं, फिर से री एंट्री कर सकते हैं उसी टिकट पर। रिफ़्रेश करने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब हम बर्ड पार्क के अंदर फिर से आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हो अब वुड पैकर्स स्टेडियम में, जहाँ पर अब एक शो होने वाला है। ये शो स्टार्ट होता है 4 बजे और ये 15 मिनट का शो है। प्लीज़ एंजॉय कीजिए ये शो को मेरे साथ। At Ethelwood Bird Park, we have 3 varieties of birds. One, the aquatic species like ducks and swans. Second, the terrestrial birds, pheasants, quails. Third comes the flying variety. We have cockatoos, macaws, parrots, small parrots, medium parrots and large parrots. Put all together, we have also planted around 220 varieties of plants. You know, if you start counting one by one species, you will see majority of them are like very, very, very vital for our survival as well. Some of the plants like snake plants are also in the list of ISRO because they give out oxygen even in the night, which is very, very vital for us also, right? हम लोगों को तो पता ही चल गया कि मास्क लगा के क्या क्या जलना पड़ा, यू नो, नो वी नो वॉट वी हैव टू डन। सो विदाउट फर्दर अड्यू एंड नॉट बोरिंग यू गाइस, शुड वी वेलकम अवर सेलिब्रिटी? हाउ डू वी वेलकम द सेलिब्रिटी? क्लैपिंग, या लेट्स ऑल क्लैप एंड वेलकम द फर्स्ट सेलिब्रिटी। या जस्ट बिकॉज शी इज वेयरिंग अवर बर्ड पार्क यूनिफॉर्म डजंट मीन शी इज द बर्ड। रू इज अवर बर्ड, रू इज अवर अम्ब्रेला कॉकटू। Where do cockatoos come from? Cockatoos come from Indonesia and Australia. You know, all of these places are highly humid and they also run the desertic conditions. So they, for their survival, the feet and the wings are very, very, very vital. When it comes to wings and the tail, it is very vital because that only helps the bird to fly from one perch to another. You know, imagine like if they have to fly shorter distances, like our birds are showing here. So it is very, very vital for their growth and like, you know, development as well. So tell me something, one ostrich egg equals 2 dozen chicken eggs. Imagine the amount of food they have to intake, and then this is purely made of calcium. Itna time lagta hai na, like they give up to 25 to 30 eggs in every clutch. Mother and the father both take turns taking care of the eggs due to the fertilization and like incubation. Ek bar bachcha paida hone ke baad bhi, father takes the bigger picture, he guards them from all the enemies. Idhar aaya hamara badsha. Rio is our badsha of bird park. You know, Rio is a blue gold macaw, blue and yellow color, right? That is the reason why they are called blue gold macaws. Blue gold macaws come from Central and South America, where there's a lot of green vegetation. These birds spend up to 70 to 80% of the day's time flying in search of food. Macaws deposit close to 3 eggs and even the macaws take turns in incubating them. Training jo hota hai, it is purely built on trust and passion. If you don't have passion, you cannot do this work. Never. Have your fingers up.
Jack is like 40 days old and he belongs to a breed called Gala cockatoos or rose breasted cockatoos. Cockatoos again, where do they come from? Indonesia and New Zealand or like even the Australian island. Flash is the father of the baby that we saw just now. और ये हैं अब हमारी ब्राउन नेक्ड पैरट। तो फ्रेंड्स, एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क में एक सुवनियर शॉप भी है, तो चलिए अंदर चलते हैं सुवनियर शॉप में और देखते हैं अंदर क्या क्या। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें मेरे वीडियोस को सबके साथ। थैंक यू सो मच।